ये सच है कि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम बनाने के लिए बीजेपी सारे प्रयोग कर रही है, तो ये भी सच है कि प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन पार्टी के लिए मुश्किल भरा काम हो गया है, क्योंकि ज्यादा उम्मीदवार होने के अलावा कई पसंद की सीट पर लड़ने को अड़े हुए हैं। कम से कम 4 सीटों पर तो इस तरह के हालात बन गए हैं, जिससे पार्टी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। प्रदेश की राजनीतिक राजधानी कहे जाने वाले रोहतक के लिए बीजेपी मौजूदा जातीय समीकरणों के चलते कांग्रेस छोड़कर आए पूर्व सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा को लड़वाना चाहती है, पर पंडित जी करनाल पर ही अड़े हुए हैं, क्योंकि इस सीट को वो पूरी तरह सुरक्षित मानते हैं। इसलिए पार्टी को रोहतक से किसी मजबूत प्रत्याशी की दरकार है, जो कांग्रेस के मजबूत किले को ढा सके। अभी वहां के बीजेपी विधायक और सीएम के नजदीकी मनीष ग्रोवर पर भी चर्चा चल रही है। हाल ही में पानीपत आए सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने रोहतक को लेकर अपनी प्लानिंग भी जाहिर की थी कि हो सकता है कि रोहतक में दो बड़े चौधरी आमने सामने आ जाएं। आज मैं पूरी कह सकता हूँ, जिस तरह हमने मेयर का चुनाव उसके घर में हमने हराया है, जहाँ मेरा घर भी वही है, चौधरी भूपेंद्र सिंह का वही है, आपके वहाँ की कलानूर की विधायिका शकुंतला खटक की वही है, जो शादीलाल बत्रा है पूर्व विधायक पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा उसका भी है, मैंने वहाँ 2500 वोटों से उनको हराया है। और जिस तरह आवाज है ग्रामीण क्षेत्र भी, इसमें भारतीय जनता पार्टी में हमारे काम के साथ किसानों के साथ किया है। इसी तरह सोनीपत पर भी पेच फंसा हुआ है। जाट प्रभाव वाली इस सीट पर केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह अपने आईएएस बेटे बिजेंद्र सिंह को चुनाव लड़वाना चाहते हैं, जबकि पार्टी बीरेंद्र सिंह को हिसार से दुष्यंत चौटाला के खिलाफ खड़ा करना चाहती है। इधर सोनीपत से नए उम्मीदवार पहलवान योगेश्वर दत्त और मौजूदा सांसद रमेश कौशिक ने दोबारा ताल ठोक दी है कि वो क्यों नहीं सोनीपत से दोबारा लड़ सकते। पंडित अरविंद शर्मा की पहली और आखिरी पसंद करनाल है, तो सीएम ने अपनी तरफ से यहाँ से संजय भाटिया और चंद्र प्रकाश कथूरिया के नाम आगे बढ़ाए हुए हैं। यानी करनाल, सोनीपत, रोहतक और हिसार, इन 4 सीटों को लेकर बीजेपी की परेशानी बड़ी हुई है। उधर बाकी बची सीटों पर जैसे कुरुक्षेत्र से प्रस्तावित राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी, सिरसा से कृष्ण बेदी और अंबाला से पंजाबी गायक हंसराज हंस का नाम चला, तो इनके मैदान में आने से पहले ही बाहरी होने का विरोध होने लगा है। यानी हरियाणा में उम्मीदवारों का चयन बीजेपी के लिए अभी मुश्किल भरा काम है, और इसके चलते उसे अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ सकती है, क्योंकि इस बार सियासी महाभारत उस महाभारत से कम नहीं जहां सारे पात्र मौजूद हैं। टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।